मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24x7 में। आज हम खड़े हैं जगन्नाथ मंदिर के पावन स्थल में, जहाँ पे गौ माताओं के बीच में हम हैं। ये गौ माता का आज सेवा करने हमारे तमाम माताएं और बहनें आई हैं, जो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे आप बैनर में देख पा रहे हैं भारत माता अभिनंदन संगठन और लक्ष्मी शक्ति संगठन के तमाम हमारे भाई बहने सभी मिल करके गौ माता का सेवा करने का आज प्रण किए हैं। तो आइए इसी से जुड़ा हुआ तथ्य को जानते हैं और इनके साथ वार्तालाप करके चीज़ों को और स्पष्ट समझते हैं कि आज क्या है और किस अवसर पे ये आई हैं गौ माता का सेवा करने। तो मैं प्रेम से बोलना चाहूँगा, गौ माता की जय। मेरे कैमरे के सौजन्य से यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर के संत महात्मा जी भी हैं हमारे समक्ष, और इसके साथ आपको मैं बता दूं, लक्ष्मी संगठन और भारत माता अभिनंदन के तमाम हमारी माताएं और बहन भाई सभी एक साथ होकर के आज यह बीरा उठाई हैं, इतने अच्छे कार्य कर रही हैं। आइए इस विषय में इनसे जानते हैं। आपका स्वागत है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आज क्या हो रहा है, आपके संक्षिप्त परिचय देते हुए। हम रितु गर्ग सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से, भारत माता अभिनंदन संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी और लक्ष्मी शक्ति संगठन के संस्थापिका अध्यक्ष, और मैं आज यहाँ अपनी सभी बहनों के सहयोग से यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। आज निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में हमारी माताओं बहनों भाइयों ने सभी ने कह लिया है कि हम गौ सेवा करके राष्ट्र की रक्षा करेंगे, भारत की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, गौ महेश को रक्षा करते हुए सभी की प्रेरणा देंगे कि गायें हमारे जीवन में, गायों का अमूल्य योगदान है और उनकी सुरक्षा ही हमारे जीवन की भी सुरक्षा है। और सभी से मैं यह भी आग्रह करती हूँ कि यहाँ शक्तिगढ़ श्री जगन्नाथ भगवान जी के मंदिर में आए, शक्तिगढ़ में जो प्रांगण में यहाँ गौशाला है, तो यहाँ पर अपनी सेवा प्रदान करें, क्योंकि यहाँ पर चारे के अभाव में गायें और उनके बच्चे इत्यादि भूखे रहते हैं, जो कि जो चारा हम लोग देते हैं पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और गौ वंश, जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत है गौ वंश को, उनकी रक्षा के लिए सभी आगे आएँ और अपना अमूल्य निधि, अपना अमूल्य समय, अपना अमूल्य योगदान दें, जिससे गौ माता का आशीर्वाद सभी पे बना रहे और सभी के जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव आए और सभी का जीवन खुशहाली में रहे और सभी पर गौ माता का आशीष बनाए रहे। तो आइए अब हमारे बीच में लक्ष्मी शक्ति संगठन की एक दीदी हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि आज के बारे में वो क्या अपना बात रखना चाहेंगी। मैं बबीता सिंह लक्ष्मी शक्ति संगठन के मेंबर से, मैं आज यहाँ निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में उपस्थित हुई हूँ। ऋतु हमारी जो संस्था की जो मेन है, सदस्य हैं, उन्होंने आज हमें ये कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके माध्यम से ही हम यहाँ आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम सभी से यही कहेंगे कि गौ धर्म सबसे बड़ा धर्म है और वो करिए। गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। बाबा, आप आज जो देख पा रहे हैं हमारे तमाम बहनों को, जो ये भारत माता अभिनंदन और लक्ष्मी शक्ति संगठन के तमाम हमारे भाई माता बहनें आए हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बढ़िया बात है जी, भारत माता संगठन और लक्ष्मी शक्ति संगठन से आया है लोग। गौ माता का सेवा 33 कोटी देवता विराजमान है। आज पांडव है, निर्जला एकादशी है, हमारा है जगन्नाथ दुर्गा मठ से शक्तिगढ़ आके भारत माता गौ माता से अपना खुद खिलाया, बहुत अच्छी बात है। गौ माता का सेवा करने सबको सेवा हो जाएगा, ये बढ़िया सेवा है गौ माता का सेवा। आपका महात्मा जी का क्या नाम है? हमारा नाम भक्ति वेदांत माधव महाराज। आप इन्हें आशीर्वाद देना चाहेंगे? हाँ, हम आशीर्वाद देता है जो ये लोग सबको भक्ति प्रदान हो, ये लोग हर जन्म में गौ माता को सेवा करें, सबको सेवा करें। जीवन दस क्विंटल चारा का प्रबंध किया है गौशाला में, जिसे गौ माता खुश रहे। और आज हमने उनकी खुशी को देखा कि किस तरह हरा चारा खा रही थी और हम सभी जाने को अत्यंत हर्ष का अनुभव हुआ। और इसी प्रकार यदि गौ माता हंसती रहती है तो हमारे जीवन में नीचे भी खुशहाली रहती है। तो दीदी, एक बात मुझे और बताइए, ये प्रेरणा आप सभी को कहाँ से मिला, इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए जी। गौ माता की तरफ तो हमेशा ही हमारे हाँ बोलिए बोलिए हमारे घर के संस्कार ही हमारे धर्म की ओर
लेके जाते हैं। हिंदू धर्म में संस्कृति है कि गौ माता की सेवा, जहाँ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो हमें बचपन से ही संस्कारित किया जाता है। घर में गाय की रोटी निकालना, गायों की सेवा करना, जिससे सभी प्रेरणा पाते हुए अपने जीवन में अच्छे कार्य की तरफ चलते हैं। और हमें भी जैसे ही पता चला कि इस गौशाला में दयनीय स्थिति है गाय की, तो हमसे रहा नहीं गया, तो हमने सर्वप्रथम 50 kg यहाँ पर गौ चारा देकर अनुदान किया। उसके बाद सभी बहनों को हमने सहयोग के लिए कहा, तो वह एकदम सहर्ष स्वीकारों की स्वेच्छा से इन्होंने भर चढ़कर भाग लिया, और जिनके सहयोग से आज इतना पुण्य कार्य हुआ जी। तो दीदी मुझे ये बताइए कि आप ऐसे समय में देशवासी और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अल्पना शर्मा, देशवासी समाज को और सभी भाई बहनों को मैं ये संदेश देना चाहूँगी, आप अपने घर में रोटी बना के एक रोटी गाय को रोज दें, और प्लस आप हर महीने हर गाय को चारा दें, गुड़ दें, ताकि इससे क्या गाय की सेवा होगी, और गाय की सेवा ही परमो धर्म है। और गाय की सेवा करते रहने से मनुष्य के जीवन में आए हुए संकट टल जाते हैं। और हम सबसे यही बोलेंगे, सभी लोग मिल करके गौशाला में जाएं, गाय का चारा दें, गुड़ खिलाएं, और तो मैं और क्या बोलूँगी। सभी भाई बहने समझदार हैं और सभी जानते हैं कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए। हमें तो यही जानते होंगे और करते रहें। गौ माता की जय, जय 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 गौ माता, जय गौ माता। ये आप क्या दे रही हैं गौ माता को? गुड़ गुड़ दे रही हैं। एकादशी के पर्व पर हम यहाँ गौशाला गौरियामास में आए हैं शक्तिगढ़ में जी, और आज पावन पुण्य दिन है। गौ माता का आशीष सभी गौ भक्तों को मिले, यह पुण्य कार्य करने के लिए हम प्रेरित करते हैं सभी को कि यहाँ पर जो गोवंश है उसको भी बचाना है, और अच्छे से नहीं हो पा रहा जी, इसी वजह से इनके बच्चे थोड़ा भूखे रहते हैं। उनकी उनकी दशा देख के हमको यहाँ पर कार्य करने का मन हुआ, तो हमने यह खाना है कि हम यहाँ गौशाला में सभी भक्तों को प्रेरित करें शक्तिगढ़ श्री जगन्नाथ मंदिर धाम यहाँ गोरियामाठ में आकर गायों की सेवा करें, इनको भी आप खाना खिलाएं, ताकि हमारे गोवंश हर खुश और समृद्ध हो, और इनके आशीर्वाद से सभी गौ भक्तों के घर में सुख शांति का वास रहे। और हम यहाँ पर हमारी महिला सखी हैं, बहने हैं, और अन्य भाइयों के द्वारा गायों के चारे की व्यवस्था की गई। विजय मित्तल जी हैं, हनुमान डांगिया जी हैं, सुशील जी हैं, स्नेहा जी हैं, नीरू जी हैं, हरना जी हैं, बबीता जी हैं, और सुनीता जी, अन्य सभी द्वारा ये पूर्ण सहयोग दिया गया। और हम गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि इन सभी के जीवन में, गौ भक्तों के जीवन में हमेशा खुशहाली आए, और यह हमेशा यहाँ पर आकर गौवंश के लिए सेवा करें और सेवा का कार्य करें। और हम एक बार कहना चाहते हैं, देखिए गौ माता ने आशीर्वाद दिया है जीभ लगाने जी जी, ये और एक बार बोली भी है, तो यानी ये आप सभी से बहुत प्रसन्न हैं। गौ माता की जय। हम कहना चाहते हैं कि जी जो भी गौ भक्त अपनी परंपरा को निभाए, अपने देश की और संस्कृति की सभ्यता की रक्षा के लिए यहाँ पर आए, और सालगिरह है, किसी का जन्मदिवस पार्टी है, थोड़ा सा गौ के लिए भी चारा की व्यवस्था करें, ताकि हमारे गौवंश हर्ष की तरह समृद्ध रहे। हम भारत माता अभिनंदन संगठन की राष्ट्रीय प्रभारी एवं लक्ष्मी शक्ति संगठन की संस्थापिका अध्यक्ष हम सभी बहनों के साथ
अच्छा अच्छा आइए आइए आस्ते आस्ते आते रहिए। बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। हम लोग मिथिला एकादशी के उपलक्ष्य में गायों के लिए खाना खाए हैं, जिसको बड़ी उत्सुकता के साथ गायें ग्रहण कर रही है और बड़ी खुशी का दिन है आज। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऋतु जी के सहमति से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं। गौ माता को हमें मौका मिला और हम लोगों ने बहुत खुशी के साथ गौ माता के साथ एंजॉय किया है, गौ माता के साथ प्यार भरी बातें भी की है। गौ माता को आशीर्वाद बना रहे हैं, बार बार आए। क्या बात है, आप लोग इसके पहले किए हैं? नहीं, मैं तो आती थी। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा को आता कर अच्छा। आनंद आ रहा है, लेकिन मैं लक्ष्मी शक्ति संगठन भारत माता अभिनंदन के थ्रू पहली बार आई हूँ जी। ऐसे में आती हूँ हर एगारह जी। आज ग्यारह के उपलक्ष्य में गौ माता को खिलाकर बोल नहीं पा रही हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ जी। आती तो थी लेकिन यहाँ तक मैं नहीं आई थी जी। मैं भगवान को संत महंत लोगों के साथ हुई, इतना दान मिला है कि कुछ बोलने का शब्द ही नहीं है, मैं क्या वर्णन करूँ। अरे आप लोग रुकिए, घास ले रहे थे, रुकिए। अच्छा जी, जय गौ माता की, 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 जय। खुशी होकर के खुशी में गिर गए हैं। एक बार इधर देखिए, एक बार इधर देखिएगा जी जी। हाँ, एक बार ना आप लोग प्यार से उसके वो माथे पे ऐसे ऐसे सहलाइए ना। हाँ, बस कुछ नहीं करेगी। इधर देखिएगा सभी। कुछ नहीं कर रहा है, नहीं है कुछ कर रहा है। ओम श्री भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः।